अब हम आ गए हैं सनंदरी के गेट पे। Welcome back to my YouTube channel Travelog. This is Neelam and today we are in Bhandardhara. और भंडारदरा में हम हैं आनंद वन में। बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्ट है ये और बहुत ही नेचर से रिलेट करता है। मैं इस रिसोर्ट के रिलेटेड आपको सारे डिटेल्स बताऊँगी, बट अभी हम चलते हैं एक फेवरेट स्पॉट यहाँ का, सांदन वैली। तो लेट्स गो। सांदन वैली ट्रैक के लिए आपको आना पड़ता है सामरद विलेज। सामरद विलेज से ये ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। मैंने अपने भंडारदरा के लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताए थे कि यहाँ कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है, उसमें से ही एक है सांदन वैली। रास्ते में है कोकनकड़ा। कोकनकड़ा इज अ बेसिकली 1800 फीट हाई रॉक पैच। यहाँ मोस्टली क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए सब आते हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री एक ऐसी जगह है जिसे सब बहुत पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब मैं नेचर को इतना करीब से महसूस करती हूँ। थोड़ी ही आगे था सामन विलेज, एक छोटा सा गांव, एंड स्टार्ट हुई हमारी सांदन वैली की ट्रैकिंग। तो अब हम आ गए हैं सनंदरी के गेट पे। यहाँ से एंट्री है और यहाँ से अंदर जाना है। नीचे इंक्लाइन है तो
चलते हैं फिर। सांदन वैली ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट वैली है। आगे वैली एकदम घनी होती जाती है। बट बहुत मज़ा आता है ये सब करने के लिए। आई लव ट्रैकिंग और इन सब चीज़ों में अलग ही मज़ा है। वैली में आगे चलते चलते 10 टू 15 फीट के रॉकी पैच को क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। यही एक पैच डेंजरस था तो क्रॉस किया। अभी यहाँ से जाएंगे ये क्रॉस करके। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सांदनदरी। वाओ।
बीच बीच में इस वैली में पानी भरा रहता है, इसे क्रॉस करते ही हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे की ख्वाहिश देखो, मुझे ज़बरदस्ती पानी में जाने के लिए बोला, मगर पानी इतना चिकना है कि मैं पूरी गिर गई हूँ, पूरे कपड़े भीग गए इसी, और हंस रहा है बंदा, मेरे शूज़ गीले कर दिए इसने। पानी बहुत ही चिकना है, अंदर इतना मड़ी है, और वो जो छोटे 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 मछली है ना, हॉरिबल। वी विल प्लान कि हम लोग यहीं से रिटर्न जाएंगे, बिकॉज बस अभी एक्चुअली मुझे फर्स्ट टाइम देखना था कि सानंदरी है क्या, और साथ में हम सब है, तो वी विल डिसाइड कि यहीं से रिटर्न बैक करते हैं। बस सुपर्ब, हर एक को एक बार तो एक्सपीरियंस लेने के लिए ज़रूर आना चाहिए। और सह्याद्री के गोद में जो ये है बहुत ही खूबसूरत है। एंड में रैपलिंग करते हुए वैली से नीचे उतरते हैं। ये वैली 200 फीट डीप एंड 2 किलोमीटर्स लॉन्ग है। इस तरह से हमने हमारी संदन वैली की जर्नी ख़त्म की। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल ट्रैवलॉग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द से ही मिलेंगे हम हमारे नए ब्लॉग में। टिल देन, स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड नमस्ते।